सब कुछ सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन नगर में वार्ड क्रमांक 6 नागेश्वर कॉलोनी के टावर गली में मेन रोड पर सोखता गड्ढे को रुकवाने और बंद करवाने की मांग को लेकर नागेश्वर कॉलोनी के नागरिकों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई के दौरान ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि बालाजीपुरम के सामने 4 मकान के मालिकों द्वारा गली में सोखता गड्ढा खुदवाकर उस पर मिट्टी और पत्थर डाल दिए हैं, जिससे रास्ते में कीचड़ और पूरा पानी गली में भर गया है। गली वासियों और अन्य लोगों को अपने अपने घरों में आना जाना मुश्किल हो गया है। गड्ढा खुला होने से कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। रहवासियों ने मांग की है कि स्थल का निरीक्षण कर रास्ते पर खोदे हुए गड्ढे को रुकवाया जाए ताकि रहवासियों को कीचड़ गंदगी से राहत मिल सके। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हमारी समस्या नागेश्वर कॉलोनी जैतापुर खरगोन, वहाँ पे ये हमारी मुख्य समस्या ये है कि एक तो मेन रोड के ऊपर कॉलोनीनाइजर ने मकान जो बनाया हुआ है उसकी मतलब पानी का निकासी सोखता गड्ढा मेन रोड के ऊपर खोद करके छोड़ दिया है, और वो इतना गहरा मतलब है 5 फीट गहरा, और चौड़ाई और लंबाई भी उसकी काफ़ी है। इससे कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी मनुष्य या कोई भी बच्चा गिर जाए, उस पर कोई भी नगर पालिका ने आज तक कभी ध्यान दिया नहीं। हम बार बार समस्या शिकायत लेकर के आते हैं, और अभी वर्तमान में जी कब से खोद रखा है ये गड्ढा, अभी 15 दिन से खुला पड़ा है, अभी 2 दिन से उसको भर दिया है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे नगर पालिका भी, और पूर्व में भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी वर्तमान में इतना तालाब जैसे पानी भरा हुआ है और पूरा रोड कीचड़ से पट गया है, पूरा कीचड़ ही भरा हुआ है, और न ही मुरम डाली जा रही है, न ही इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, न रोड बन रही है। इस संबंध में सीएमओ साहब को कोई शिकायत करी थी आपने? लिखित में से हमारे पास सब प्रूफ है, हमने प्राप्ति भी ली है, और रोड जो आसपास की तीनों रोड, अभी सीएमओ साहब ने भी कहा था कि वो अवैध कॉलोनी है, जब अवैध कॉलोनी है तो 3 रोड कैसे बन गई? गली नंबर 1, गली नंबर 3 और गली नंबर 4 ये नागेश्वर कॉलोनी की रोड बन चुकी है, लेकिन गली नंबर 2 स्पेशल छोड़ दी गई है। पता नहीं क्यों छोड़ दी गई है, जानबूझ करके नहीं बना रहे हैं, जबकि वो स्वीकृत है रोड, कच्चा रोड होने के कारण कभी भी कोई भी भयंकर दुर्घटना हादसा हो सकता है। क्या शुभ नाम सर आपका? मैं HM आटोदे कॉलोनी से, मैं जो है ना नागेश्वर कॉलोनी से, और मेरे साथी लोग सब पूरे कॉलोनी